फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि कटर मशीन में आपको इस तरह का ब्लेड किस तरह से आपको सेट करना है ताकि आपका ब्लेड बार बार टूटे नहीं, सही से किस तरह से आप इसे ब्लेड को कसेंगे इसमें ताकि आपका ब्लेड बार बार टूटे नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं आप लोग को। तो आपको पीछे में एक स्विच मिलेगा इस तरह का, इससे इसे आपको प्रेस कर देना है और नट को, इसको ऊपर वाला नट को खोल लेना है प्रेस करके। देखिए, इस तरह का नट को आपको खोल लेना है और एक इसमें नट लगा हुआ, इसको इसमें इसी में रहने देना है आपको। और ये ब्लेड को इस तरह से रख के सीधा, इस तरह से कभी नहीं रखे, इस तरह से सीधा रख कर इसमें फिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह के नट को आपको ऊपर से कस देना है। इसे कस लेंगे और हम ब्लेड को पकड़ के कभी इस तरह से कभी नहीं टाइट करना है आपको। रेंच की मदद से इसे टाइट करना है। जब भी टाइट करें तो रेंच की मदद से टाइट करें, इसे ब्लेड को पकड़ के घुमा कर कभी टाइट ना करें ताकि ब्लेड आपको कभी नहीं टूटे। तो इस तरह से आपको रिंच में फंसा कर इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको इसे फुल टाइट करना है ताकि ये घूमे नहीं मशीन चलने पर। तो इस तरह से इसे फुल टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से टाइट कर लेना है ताकि आपका मशीन का ब्लेड कभी टूटे नहीं। और फ्रेंड्स, आपको चलाना है मशीन तो जब भी, तो आपको मशीन को सीधा, एकदम सीधा रखना है टाइट से पकड़ के। इस तरह से पकड़ के घुमाना नहीं है ताकि आपको इस तरह से मशीन आपका ब्लेड कभी नहीं टूटेगा। इस तरह सीधा आपको एकदम करके चलाना है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चलाने पर आपका ब्लेड